मेरा नाम सलमान अल्ताफ है और मैं फाउंडर हूँ ब्लू के स्केट का। आई स्टार्टेड दिस कंपनी 5 years ago। ब्लू के स्केट हमारी पेरेंट कंपनी है और उसके अंडर ना हमारी काफ़ी सारी चाइल्ड कंपनीज हैं, और जो ब्लू के स्केट है उसी ने ही सारी कंपनीज को या तो स्टार्ट किया या मतलब इक्विटी होल्ड कर दिया। हमारे पास कपल ऑफ चाइल्ड कंपनीज हैं, जिसमें से कुछ कंपनीज हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हैं और कुछ कंपनीज हैं जो कि हमारी ब्रांड था। बिल्कुल, ई कॉमर्स क्या है कि आईटी से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं, जिसमें डेवलपमेंट है, आप डेवलपमेंट करके देते हैं वेबसाइट्स की, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐप्स बनाते हैं। इसी तरह आईटी से आईटी के अंदर एक फील्ड है ई कॉमर्स की, जिसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं रिमोटली, ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है। मेरा जर्नी काफ़ी अच्छा ही रहा है यहाँ पे। मेरे काफ़ी मतलब यहाँ पे जो कोर जो टीम है वो सारे मतलब एक फैमिली है, और उनमें से अक्सर बल्कि सारे दोस्त ही हैं। जो इस कंपनी के फाउंडर हैं सलमान, वो भी मेरे स्कूल में क्लासमेट थे। Well, it all started in a small room, 2017 लास्ट क्वार्टर में, आई डोंट रिमेंबर द मंथ, मे बी नवंबर मे बी दिसंबर, हम लोगों ने अपना ब्लू कैस्केड का फर्स्ट ऑफिस रन किया था। हमने अपना फर्स्ट ऑफिस ढूंढ रहे थे कि हमने अपनी कंपनी की प्रेजेंस कहाँ पे बनानी है। हम लोगों का एक एक्सपीरियंस ये है कि मैं इस पर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि हम लोगों का मतलब बुरे दिन में आते थे तो वो बुरा दिन नहीं होता था, एट द डे एंड बॉस उसको बहुत अच्छा करने में बहुत कोशिश करते थे। हमारे पास ऐसे दिन भी आते थे कि हाँ जी पूरा बिजनेस के अंदर ना बहुत बड़ा मसला आ जाता था, कोई चीज़ रुक जाती थी तो हम लोग उस दिन पार्टी कर लेते थे। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ जी कि इवन हम लोग डाउन एंड आउट हैं और हम लोग फिर भी पार्टी कर रहे हैं। शुरू से ही इसकी नीयत मतलब इस तरफ थी, कारोबार की तरफ। तो शुरू में ये मुझे कहता था कि मैं अपना एक बड़ा ऑफिस लेता हूँ, तो मैं इसे कहता था कि बेटा अभी किसी छोटे पैमाने से शुरू करो। तो वालदैन को थोड़ा डर भी होता है कि बच्चे में ऐसी मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट कर लें फिर वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाए तो थोड़ा डरता है बंदा। तो इसने फिर एक दफ़ा मुझे नहीं बताया और माल टाउन में एक छोटा सा ऑफिस ले लिया। क्योंकि मेरा प्राइमरी जो इंटरेक्शन था वो कंपनी के अंदर वो सलमान बॉस के साथ था, सो आई गॉट टू नो हिम बिफोर आई गॉट टू नो मच अबाउट द कंपनी। सो यू नो द वे ही वर्क, द वे ही मूव्ड अराउंड, द वे ही वाज कैरिंग थिंग्स इन आवर फर्स्ट टू इंटरेक्शंस, इट वाज यू नो क्वाइट मूविंग। सो आई वाज क्वाइट क्यूरियस टू लर्न अबाउट द फैक्ट दैट यू नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दिस पर्सन कैन पुल ऑफ। सो दैट वाज अ वेरी मूविंग फैक्टर फॉर मी। एंड देन व्हेन आई गॉट इनटू द कंपनी, क्योंकि मैंने पहले कुछ ऑफिसेज किए हुए थे अपने मेरा ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए अपने यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर, सो उनका कल्चर देखे, और देन अगेन व्हेन आई गॉट टू इनटू ब्लू कैस्केड द फर्स्ट डे इंटरव्यू वाले दिन, सो इट वाज नॉट एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप के मैंने रियलाइज किया था कि यार आई वांट टू गेट परमानेंट ओवर हियर। इट वाज एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू दैट आई रियलाइज यू नो दिस इज सम प्लेस आई वांट टू वर्क इट, स्पेशली इन द एज व्हिच आई एम। जब हमने स्टार्ट किया था ना 2017 में, तो हम ड्रॉप शिपिंग भी बहुत अच्छी नहीं करते थे। इट वाज जस्ट द स्टार्ट, हमने ई कॉमर्स में हम एंटर हुए थे और मैं और मेरी एक चीज़ें देखते रहते थे, एक बंदा ही सारे काम कर लेता था, हम दोनों ही जैसे 6 घंटे वो देख लेगा और 6 घंटे मैं देख लूँगा। और उसके बाद मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था टीम वर्क के बारे में वो इतना कोई पॉजिटिव नहीं था, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता मेरे माइंड को मोल्ड किया कि वी कैन एक्चुअली फोकस ऑन टीम वर्क एंड वी कैन स्टार्ट टू रिलाय ऑन पीपल। तो जो एक्चुअल मेंटरिंग स्टार्ट की थी वो मैंने की थी, जो लोगों को ट्रेन करना शुरू किया था और जो हम स्केल कर पाए थे। तो क्योंकि ड्रॉप शिपिंग भी हमारा पहला ही प्रोजेक्ट था ई कॉमर्स में, मेरा भी ई कॉमर्स में इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो जब हमने 2017 में स्टार्ट किया था तो हम बहुत ज़्यादा प्रो नहीं थे उस पर। लास्ट ईयर हमारा एनुअल डिनर हुआ था और इट वाज मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, क्योंकि उसमें एक तो हमारी मेरी अपनी कोलीग्स के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई थी, और एज अ कंपनी एज सारी ब्लू कैस्केड की टीम उनके बीच में एक ऐसा बॉन्ड बना था जो कि कभी टूट नहीं सकता। तो इट वाज मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, और तब हमने इंजॉय किया था, हमारे कंपनी का 4th एनुअल डिनर था। सो आई फील लाइक द फाउंडर्स ऑफ दिस कंपनी आर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द कोट ऑफ वॉरेन बफे, दैट इफ यू आर नॉट अर्निंग व्हाइल यू आर स्लीप यू आर एक्चुअली वेटिंग अंटिल यू डाई। एंड
this is the most fun part about working here, about this company. Like, you work in the morning, you sleep, and boom, the next day, you have dollars. After I joined here, I realized that they give a lot of space to every employee to search and to grow on their own. मतलब इतनी restrictions नहीं होती, इतनी limitations नहीं होती कि आपने एक specific यही जो task assign किए हैं यही काम करना है. In my experience, मतलब मुझे grow करने का on my own बहुत मौका मिला है. Like for example, I was able to explore things on my own, जैसे I was able to explore on Shopify, on Amazon ads, on Google ads, and grow them to the extent that now I am leading a team of 4 to 5 people. और यहाँ पे अगर आप किसी न्यूबी की आई से भी देखें अगर आप, तो उसको भी यहाँ पे शुरू में कोई इतना इशू नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले तो ये फील्ड वो है कि जहाँ पे लोग, जब नया कोई बंदा आए तो वो इस तरह नहीं होता कि उसको पहले काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो वो यहाँ पे ट्रेन होता है और यहाँ पे अपर हर एक से लेकर टीम लीड तक उसको सारे, मतलब किसी ना किसी एंड तक उसको ट्रेन करते हैं. मेरी लीड्स का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है मेरे साथ, और उसके अलावा when it comes to workload या कोई इस टाइप का कि मेरी लीड मुझ पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा वर्कलोड पुट अप कर रही है या मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट अप करने पड़ रही है, तो आई एम नॉट फेसिंग एनीथिंग लाइक दैट. इफ़ देर इज़ समथिंग जो आई कैन नॉट डू या इफ़ देर इज़ अ सर्टन टास्क जो मुझे इस टाइम पीरियड में कम्प्लीट नहीं होता, तो आई गो एंड आस्क देम कि अच्छा आई कैन नॉट डू दिस इन दिस सर्टन टाइम पीरियड. तो इट्स लाइक द होल क्रू दे कम और हम लोग चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, हम लोग ग्रुप करके उस टास्क को असम्बल कर लेते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं. इट्स नॉट समथिंग लाइक दिस कि मेरे ऊपर ही प्रेशर है कि आई हैव टू डू दिस. बस बहुत कंप्यूटर में बैठता था, मुझे इसकी पढ़ाई की बहुत फिक्र होती थी, हम ऐसा किसी तरह पास हो जाए. मैं बोलती थी, ये सुनता था, बस किताब को हाथ में भी नहीं लेता था, वो सुनता था और बस किसी तरह अच्छे मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स हैं, 80+ से ऊपर हैं. और इतनी मतलब हमारे, हम दोनों के दरमियान इतनी मतलब हम बैट्स लगाते थे कि सलमान तुम्हारे इतने परसेंट नंबर आए तो ठीक है, इससे कम आए ना तो तुमने ये शर्तें, दूध का गिलास पीना है, तुमने ये खाना खाना है, तुमने वो खाना खाना है, वो सारे हमारे ऐसे मतलब इस तरह की बातें होती थी. नहीं, अगर मैं 5 साल बाद इस कंपनी में, मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं इस 5 साल जो अगले नेक्स्ट 5 साल हैं वो भी इसी कंपनी में रहूँ, ताकि बहुत कुछ मैं गेन कर सकूँ और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है इस कंपनी से, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी को रिटर्न भी करूँ. माय एक्सपीरियंस सो फार हैज बीन सो गुड दैट आई डोंट इवन गिव अ थॉट अबाउट मूविंग आउट. इट्स बीन लाइक 2.5 ईयर्स और मुझे जितनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट अपने एज ए पर्सनैलिटी मैंने फेस की हैं, जो मैंने जज किए हैं, वो बहुत इतनी मतलब वैल्यू रखती हैं कि मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी एडप्ट करती है यहाँ पर. और लेट्स से कि I even originated the business of Neon Hair और मुझे लगता है कि मेरी इनपुट जो है वो फॉर द टाइम और टाइम से आगे भी इम्प्रूव होती रहती है. एज अ वर्कर अगर मैं देखूँ तो एम्प्लॉय जो है ना बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत जस्ट लाइक अ फ्रेंडली माहौल ऐसे है जिस तरह के आप किसी फैमिली में, अपनी फैमिली में हों. मतलब हम फीमेल्स के साथ काम करते हैं जितना हमें फील नहीं होता कि आप किसी ऐसी जगह पे हों जहाँ कोई मतलब आपको हदूद हैं या इस तरह की, मतलब केयरिंग लविंग स्टाफ है सारा. स्पेशली हमारा बॉस बहुत मोहब्बत करने वाले शख्स हैं, बहुत ख्याल रखने वाले सभी की ज़रूरियात का स्पेशली, और मतलब मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ. मैंने ज़िंदगी में वैसे जहाँ आपको ये कहूँ कि पिछला पास्ट था ना, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा काम कभी भी नहीं किया और मैंने ऐसा इदारा देखा भी नहीं. द बेस्ट पार्ट इज दैट ओवर द कोर्स ऑफ 2 years आई हैव फाउंड माई सेल्फ अ फैमिली विच इज नॉट शेयर द सेम ब्लड इज मी, बट यू नो दे शेयर द सेम वर्किंग एनवायरनमेंट इज मी एंड मोर लेस दे हैव द सेम गोल इज मी एंड आई स्पेंड यू नो अ गुड पार्ट ऑफ माई डे ओवर हियर एंड एज मच एज आई डू इन द होम. तो इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी हमारा सबकी ख्वाहिश होती है, मतलब क्या विजन, क्या सबकी ख्वाहिश ये होती है कि यार हम इतना देखते हैं कि लोग इर्द गिर्द बहुत सफ़र कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत अच्छे मतलब
स्किल्स होते हैं लोगों में, टैलेंट होता है, लेकिन वो नहीं यूज़ कर पा रहे होते. तो हमें सब लोग नज़र आते हैं, हम उनको जैसे जैसे कोई रास्ता दिखा देते हैं, जैसे वो हमें हेल्प करते हैं. तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि हमने इसी डायरेक्शन में रहना है, पॉजिटिव चेंज पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर तो हम लेकर आ रहे हैं. जैसे ही हमें मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब बाकी फेलोज़ भी बताएंगे कि ई कॉमर्स के अंदर हम एक मास एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पाए थे स्टार्ट में, लेकिन जैसे ही हमने मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट ऐड किया कि हम वो ई कॉमर्स की जो प्रोडक्ट हम बेस्ट सोर्स से लेके हम फुलफ़िल कर रहे थे ऑर्डर, वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग जब से हमने खुद की, तो फिर हमने एक मास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर ली थी. तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें हमने सोसाइटी के अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंज ली. नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ आर नाउ बीइंग सस्टेन, वो ग्रो कर पा रही हैं. तो सलमान में बस एक अच्छी बात ये थी कि ये बच्चा सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, ये सबको साथ लेकर चलता है, टीम वर्क करता है और बांटता है, बहुत खुश होता है. ये नहीं है कि मतलब जो भी आया खुद नहीं, अपना सबको सब मतलब साथ. एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छी बना के रखता है. दूसरा इसके इस पे हमें जो ज़्यादा अच्छी बात महसूस होती है वो ये है कि जो जो भी ऑफिस है ना उसमें एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट है. कोई मतलब वहाँ पर वो नहीं है, डर खौफ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश, सब बच्चे खुश होकर काम कर रहे होते हैं. जितना भी काम आ जाए, और इसका जो जो वर्कशॉप है उसमें भी बंदे खुश होकर काम कर रहे होते हैं. इसका जो मोटो है ना, ब्रेकिंग द इल्यूजंस, ब्लू कास्केड ब्रेकिंग द इल्यूजंस, वाकई इसने किया है, करके दिखाया है. There is a house built out of stone. जो बदल है इसका मोबाइल फवारा This is a place where I feel